नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुजाता। सुजाता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पुलम की चटनी की रेसिपी, जिसे आलू बुखारा भी कहते हैं। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 6 से 7 पुलम लिए हैं, इन्हें आलू बुखारा भी कहते हैं। आज हम बनाएंगे आलू बुखारा की खट्टी मीठी चटनी। पुलम को हमने साफ करके धो लिया है, जिनका पानी भी निकल गया है। देखिए, अब हम इन्हें सबसे पहले करेंगे कट। इस तरीके से पल्प हमने निकाल लेना है। ये वो हमने हटा लेना है। इस तरीके से हम सारे पुलम को कट कर लेते हैं। पुलम की चटनी में बीज का कोई काम नहीं है तो बीज को हटा लेते हैं। हमने सारे पुलम को कट कर लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में हमने पुलम को कट करना है। ये देखिए, सारे पुलम को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और बीज हमने इसके अलग कर लिए हैं। अब आ गए हम गैस की तरफ, तो गैस को ऑन करते हैं और बर्तन रखते हैं। अब ऐड करते हैं हम पुलम। गैस की फ्लेम को कम कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, मैंने यहाँ पे आधी बाउल चीनी ली है, ऐड कर लेती हूँ। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं या घर में कोई डायबिटीज वाला है जो चीनी नहीं खाता है, तो आप गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर गुड़ भी डाल सकते हैं। जब तक चीनी और पुलम मेल्ट होते हैं, तब तक हम इसमें ऐड करने के लिए बादाम को छील लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े बादाम लिए हैं। बादाम का हमें छिलका निकाल लेना है। ये देखिए, बादाम का छिलका हमने निकाल लेना है। आप अगर बादाम नहीं डालना चाहते हैं तो आप बादाम को ना डालें। आप यहाँ पे किशमिश भी ले सकते हैं, खरबूजे के बीज भी ले सकते हैं। बादाम को मैंने जस्ट 2 मिनट पहले ही पानी में डाला है, तो ये सॉफ्ट हो गया है, इनका छिलका जो आसानी से निकल जा रहा है। और हमें इस तरफ गैस में भी देखते रहना है। हमने इसमें पुलम और चीनी को डाला हुआ है। ये देखिए, पुलम सॉफ्ट होने लगे हैं। इधर मैंने बादाम का छिलका निकाल के
उन्हें बारीक बारीक कट कर लिया है। और मैंने यहाँ पे दो इलायची जिसे मैंने कूट लिया है, छिलका मैंने उतार लिया था और इसे दर दर कूट लिया है। ये देखिए, उलम और चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कूटी हुई इलायची और छिलका उतार के हमने बादाम को कट कर लिया है, वो भी हम ऐड कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, आप यहाँ पे किशमिश भी ले सकते हैं और खरबूजे के बीज भी आप ले सकते हैं और बिना किसी ड्राई फ्रूट्स के भी आप चटनी को बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उलम तो अच्छे से पक चुका है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा थोड़ा जो मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, ये देखिए, तो हम इसे स्पून से ही मेल्ट कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करूंगी मैं नमक। नमक स्वाद अनुसार ऐड करें। अभी अच्छे से मिला लेते हैं। हमें इस चटनी को तब तक पकाना है जब तक ये चिपचिपी ना हो जाए। चटनी को चेक करते हैं। चटनी को हमने तब तक पकाना है जब तक कि अंगूठे और उंगली के बीच में चिपचिपा ना हो जाए, उतना हमें इसे पकाना है। तो ये अब पक चुकी है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 चम्मच सिरका। सिरका डालने से इसका टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही ये फ्रिज होने में भी हेल्प करता है। आप सिरका डाल के चटनी को फ्रिज में रख दीजिए, आप 1 महीने तक इसे खा सकते हैं, इसीलिए हमने सिरका डाला है। 1 मिनट पका लेते हैं इसे भी। पुलम की चटनी हमारी बन गई, हो गई है तैयार। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है पुलम का। तो अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और हल्का सा चटनी को हम ठंडा होने देते हैं। दोस्तों, पुलम की चटनी हमारी बन चुकी है। देखिए कितना सुंदर इसमें कलर आया है, खाने में भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं बाउल में। दोस्तों, पुलम की चटनी को हमने बाउल में ऐड कर लिया है। देखिए, हमने इसमें कोई भी कैल कलर ऐड नहीं किया है। ये पुलम का नेचुरल कलर है, क्योंकि पुलम एकदम लाल कलर के थे तो चटनी का कलर भी बहुत ही इससे सुंदर आया है। हमें इसमें कोई भी कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से और नेचुरल तरीके से हमने चटनी को बनाया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आते रहती हूँ मज़ेदार सी नई नई रेसिपी लेके। अगर आपको मेरी कुकिंग रेसिपी देखना पसंद है तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।